हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है CMSS रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 7 असिस्टेंट जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 35,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका दिल्ली, न्यू दिल्ली होगी। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑफलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के लिए एक वैकेंसी है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर फिनांस के लिए एक वैकेंसी है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट के लिए एक वैकेंसी है, मैनेजर प्रोक्योरमेंट के लिए दो वैकेंसी है, वहीं मैनेजर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और PS2 DG एंड CEO के लिए एक एक वैकेंसी है। अगर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने ICWA, CA डिग्री, BPharma, MBA या फिर MCA कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के लिए आपका डिग्री, BPharma या फिर MBA क्यों ना आवश्यक है। वहीं असिस्टेंट जनरल मैनेजर फिनांस के लिए आपका ICWA, CA या फिर MBA क्यों ना आवश्यक है। अगर असिस्टेंट जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट और मैनेजर प्रोक्योरमेंट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री, BPharma या फिर MBA कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं मैनेजर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपका बी या बीटेक या फिर MCA क्यों ना आवश्यक है। अगर PS2 DG एंड CEO की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिग्री कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए आपको मिल जाएगी 80,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, वहीं मैनेजर और PS2 DG एंड CEO के लिए आपको मिलेगी 35,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए आपकी आयु 45 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए, वहीं बाकी अदर पोस्ट यानी कि मैनेजर और PS2 DG एंड CEO के लिए आपकी आयु 40 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए और ये सभी 1 जुलाई 2023 से पहले तक होनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो SC ST फीमेल PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं ऑल अदर कैंडिडेट की बात करें यानी जनरल और OBC कैटेगरी की बात करें तो इसके लिए इन्हें देने होंगे 100 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू रखा गया दोस्तों, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 19 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 4 अगस्त 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।